हेलो बच्चों स्वागत है आप सबका अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी पे माई शेल्फ से उपाध्याय एम स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच तो आई थिंक आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डेली आप लोग जो है रिवीज़न और मॉक टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे तो आज मैं आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो जो नर्सिंग एपिट्यूड के क्वेश्चन हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन आपके जैसा आपका सीनियर के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता उसी पे है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हैं तो वीडियो जो है आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और आज का जो वीडियो है दोनों बच्चों के लिए है चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो तो बाइोलिंगल जो है फॉर्म में है आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन तो दोनों बच्चे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो दोनों बच्चे से क्या है करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन में सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड जो फॉलिक एसिड होता है जो कि आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और तो मतलब फॉलिक एसिड का स्रोत पूछा है सोर्स का मतलब क्या होता है स्रोत कहाँ से मिलता है हमें तो पहला क्या है स्पिनच मतलब पालक हो गया सेकंड है बनाना और थर्ड है कैरट्स एंड फोर्थ क्या है पपाया मतलब पपीता तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो बताना है कि फॉलिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा जो है किन में से पाया जाता है तो आप सबको आई थिंक ये चीज़ पता होगी कि जो पालक होता है पालक जो है फॉलिक एसिड आयरन का जो है बहुत सबसे रिच सोर्स होता है मतलब सबसे ज्यादा अगर कुछ आयरन पाया जाता है फॉलिक एसिड तो किसमें पाया जाता है वो स्पिनच में मतलब पालक में तो अगर आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी है किसी के अंदर आप जब मान लो आप जब बी नर्सिंग करोगे तो आपको क्या करना होगा वहां पर पे आप पेशेंट एजुकेशन दिया जाता है पेशेंट्स को जाके वार्ड्स में तो हम पेशेंट एजुकेशन को बदमा लो कोई एनीमिया का पेशेंट है तो एनीमिया के पेशेंट को जो हम कोई डाइट उसको मतलब बताएंगे कि आपको जो उसको डाइट प्लान हम उसके लिए जब करेंगे तो उसमें हमें क्या है आयरन रिच डाइट हमें बताना होगा फॉलिक एसिड रिच जो है डाइट बताना होगा तो उसमें से क्या है उसमें हम उसको बताएंगे जो है कि आप पालक का मतलब कंजप्शन करिए ताकि आपकी जो एनीमिया की प्रॉब्लम है दूर हो सके तो यही सब चीज़ें देखो होती है इसलिए आपको जो होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन का टेस्ट होता है इसलिए होता है कि ताकि आपका मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है आपको जानना चाहता है कि जो आप क्या मतलब आपको इसकी बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं पता है आप आगे कर कर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये सब जो चीज़ें होती हैं तो यही आपका जो मतलब मेंटली टेस्ट होता है एक तरह से आपका कि आप जो है चीज़ों को आगे इसको सही से मतलब परस्यूव कर पाओगे नहीं कर पाओगे कोर्स तो इसीलिए जो होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है इसलिए आपसे पूछा जाता है बेसिक चीजें हैं उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में है कि डाइट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट हैविंग क्या है मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले रोगी के लिए आप निर्धारित आहार है तो देखो जो मॉल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम होता है इसमें होता है क्या है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ठीक है आपकी क्या होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो आप खाते हैं जो उसका न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो चीज़ हो नहीं पाता है वो मतलब इनहिबिट हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि ऐसे इससे जो मतलब ये जो मेडिकल कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन तो मतलब जो पेशेंट माल एब्जॉर्पन के शिकार हैं जो उनसे पीड़ित हैं उनको हम कैसे डाइट प्रेफर करेंगे तो पहला क्या है फॉलिक एसिड सेकेंड क्या है बी ट्वेल्व एंड सी क्या है कॉल्टिकोट्रॉफिन एंड डी क्या है ए ग्लूटिन एंड फ्री डाइट मतलब कि लस मुक्त आहार तो इसका जो है क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे जो मतलब ऐसे पेशेंट के लिए क्या होगा फोर्थ ऑप्शन जो होगा यहाँ पे कैसे हम डाइट देंगे उनको लस मुक्त मतलब जो ग्लूटेन्स होता है ग्लूटेंस एक तरह एक तरह का जो प्रोटीन होता है या बेसिकली मतलब जो जैसे कुछ ग्रेन्स होते हैं मतलब कि गेहूं हो गया या फिर ज्वार हो गया बाजरा तो इन सब में क्या होता है ग्लूटिन पाया जाता है तो हमें क्या होगा जो ग्लूटिन फ्री जो हमें डाइट देंगे ताकि मतलब वो मतलब उनका जो न्यूट्रिएंट्स एप जो ऑप्शन वो सही से हो सके अगर वो क्योंकि वो जब डाइजेस्ट होगा नहीं तो जाके अंदर क्या होगा इन्फेक्शन हो कॉज करेगा वो जब तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा हो 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 फोर्थ होगा हो ग्लूटेन फ्री डाइट उसके बाद अगला आग देखते हैं इसमें क्या है कि ए टी पी डज नॉट फॉर्म इन जो ए टी पी होती है आप सबको पता है एडनोशिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है तो इसका मतलब निर्माण किस पाथवे में नहीं होता है तो पहला क्या है ग्लाइकोलिसिस एंड सी क्या है टी सी साइकिल एंड एंड डी क्या है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड डी क्या है एच एम पी पाथवे तो क्या होगा इसका जो मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी होगा क्या होगा एच एम पी पाथवे एच एम पी पाथवे होता है बेसिकली इसको बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सेंट होता है एच एम पी पाथवे देखो जो हो, इसको यूज क्या क्या करने में इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस राइबोस फॉस्फेट टू प्रोड्यूस राइबोस फाइव फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडनीन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट तो इसका एन जो होता है इसका यूज किया जाता है इसके प्रोडक्शन में तो इसमें क्या होता है एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है ग्लाइकोलिस में जो होता है एटीपी का प्रोडक्शन होता है टी साइकिल में होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में होता है बट एच एम है नहीं होता है इसका इसका यूज किस में किया जाता है इसका यूज किया जाता है एन क्या है एन के प्रोडक्शन में किस में यूज होता है एन ठीक है तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वाशर कोर अकर्स वेन द डाइट सिवियरली डिफिशियंसी इन जो क्वाशर कोर होता है क्वाशर कोर में किस चीज़ की कमी हो जाती है तो पहला क्या ऑप्शन आयरन बी क्या है कैलोरी सी क्या है प्रोटीन एंड डी क्या है फैटी एसिड एशेंशियल फैट, फैटी एसिड तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है क्वेश्चन नंबर फोर का क्या होगा गया यहाँ पे सी ऑप्शन जो सही होगा प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से, से क्या होता है क्वाशर कोर होता है और आप लोग को देखिए एक मैं काम दे रहा हूँ जो क्वाशर कोर होता है बताना कि आपको किस एज ग्रुप में होता है बच्चों के इस ए, इसका भी क्वेश्चन है, है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जैसे क्वासर कोर हो गया मायसमस हो गया तो क्वासर कोर पूछ सकता है तो मैसमस से पूछ सकता है कि किस एज ग्रुप के बच्चों में होता है तो आपको मुझे इसको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि जो क्वाशर कोर होता है किस एज ग्रुप में होता है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में है इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट द दाजेगमंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक शुड क्या है प्रेफरेबली बी इन द फॉर्म ऑफ मतलब जो मधुमेह के रोगी हैं शुगर के रोगी हैं उनके आहार में अनु अनुशंसित कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिमानतः निम्न रूप से होना चाहिए मोनोसेक्राइड डाइसेकराइड पॉलीसेक्राइड एंड ऑल ऑफ दीज तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है सी ऑप्शन सही होगा क्या होगा पॉलीसेक्राइड इनको मतलब क्या हम ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं किस तरह के कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे पॉलीसेकेराइड उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सिस एज मतलब गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहते हैं तो ग्लाइकोलिस एंड भी क्या है ग्लूको और अगला क्या है ग्लाइकोजन क्या है ग्लाइकोजनोलिसिस एंड फोर्थ क्या है ग्लाइकोजेंसिस तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन जो है इसका है, सही होगा क्या होता है ग्लूको नियोजेंसिस मतलब कि ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं ग्लूको नियोजेंसिस उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है कि द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज मतलब कि प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशयी जिसमें विद्यमान एंजाइम है लेते हैं एक बार पहला क्या ऑप्शन है लाइपेज बी क्या है पेप्सिन सी क्या है ट्रिप्सिन एंड डी क्या है एमाइलेज तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है सी ऑप्शन सही होगा ट्रिप्सिन ठीक है पेप्सिन जो होता है पेप्सिन कहाँ पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है तो ये भी क्या होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉसिबल होता है ब, बट जो ट्रिप्सिन होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प तो करता है बट ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में उसके बाद अगला है कि द फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू इज उपवास रक्त शर्करा का स्तर है फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है उसका क्या लेवल होता है तो पहला क्या है सत्तर से एक सौ दस जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर बी है फिफ्टी टू नाइन्टी सी है वन ट्वेंटी टू वन एट्टी एंड डी क्या है वन एट्टी टू टू हंड्रेड मिलीग्राम पर डे सी लीटर तो जो इसका क्वेश्चन नंबर एट का जो तो मतलब सही ऑप्शन है क्या होगा यहाँ पे लगभग वो फर्स्ट सही होगा क्या होगा सत्तर से एक सौ दस जो होगा मिलीग्राम पर डे सी लीटर और अगर एक मतलब मैं आपको बताऊँ तो एक सौ चालीस के नीचे आप देख सकते हो जो जो आंसर होगा ठीक है जो मतलब एक सौ चालीस के आसपास जो आंसर होगा तो आप उसको जो है आप लगा सकते हैं बिलो वन फोर्टी होना चाहिए ऑप्शन अगर एकदम एग्जैक्ट ना दिया हो तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट द एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग निम्नलिखित में से अनावश्यक है अमीनो एसिड को अलग करें प्रोलिन टायरोसिन ग्लाइसिन एंड वेलिन तो देखो जो ये मतलब प्रोलाइन होता है प्रोलाइन कैसा होता है प्रोलिन जो होता है एक ऐसा इसेंशियल अमीनो एसिड है दूसरा क्या है टायरोसिन टायरोसिन में देखो इसेंशियल अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन भी क्या है इसेंशियल अमाइनो एसिड है बट जो वेलिन है वैलिन क्या है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है तो क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर नाइन का जो सही ऑप्शन क्या होगा वो फोर्थ होगा डी ऑप्शन सही होगा इसका अगला क्वेश्चन नंबर टेन है कि डिफिशेंसी ऑफ वाइटमिन डी कोजेज विटामिन डी की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस बेरी बेरी जिकेट्स एंड एनीमिया तो जो वाइटमिन डी होता है देखो वाइटमिन डी जो होता है बोन से संबंधित मतलब बीमारी होती है इससे जो भी होती है जब कभी भी अगर वाइटमिन डी आए तो समझ लो कि बोन से संबंधित इसमें आपसे डिजीज जो है पूछा जाएगा तो इस हिसाब जो मतलब क्वेश्चन नंबर टेन का जो है क्या होगा जिकेट्स जिकेट्स कैसे क्या कैसी बीमारी है Rickets आपके मतलब बोन से संबंधित जो है बीमारी है तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है जैसे आपका जो रतावधि होता है रतावधि किससे होता है वाइटमिन ए से होता है जो वाइटमिन जो बेरी बेरी होता है डिजीज किससे होता है वाइटमिन बी से होता है वाइटमिन बी का जो मतलब इसका केमिकल नेम क्या है थियामिन होता है फिर क्या है एनीमिया एनीमिया भी किससे होता है वाइटमिन बी से होता है तो जो रिकेट्स होता है रिकट्स किससे होता है वाइटमिन डी की कमी से होता है उसके बाद अगला है क्वेश्चन द मिल्क दैट मोस्ट क्लोजली रिजम्बर ह्यूमस मिल्क वह दूध जो मानव दूध से क्या है सबसे अधिक मिलता जुलता हो तो किसका दूध है वो बकरी का दूध गाय का दूध भैंस का एंड ऊंट का तो किसका दूध होता है जो सबसे मतलब होता है पास मतलब मिलता जुलता जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रेफर भी अपने लाइफ मतलब डेली लाइफ स्टाइल में किसका दूध होता है वो काऊ मिल्क होता है जो काऊ मिल्क होता है लगभग ह्यूमन मिल्क से मिलता जुलता है इसलिए क्या करते हैं हम ज़्यादा जो मतलब प्रेफर करते हैं अच्छा दूध जो मानते हैं वो गाय का दूध मानते हैं उसके बाद है, अगला है क्वेश्चन एफ पी ओ स्टैंड फॉर हाइजीन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफ पी ओ का मतलब किसके लिए आवश्यक स्वच्छ परिस्थितियों से है फ्रूट से वेजिटेबल कैन can, क्या कैन फ्रूट एंड इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो है क्या होगा एफ पी ओ जो होता आप हो है आप लोगों ने देखा होगा इसका सुना भी होगा इसका नाम तो एफ पी ओ किससे संबंधित है फ्रूट्स हाइजीन से है इसके बाद जब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि मछली की हड्डियाँ किसका उत्कृष्ट सोर्स हैं जो मतलब फिशेस बोन्स आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फ्लोराइड्स फॉस्फोरस कैल्शियम एंड फोर्थ क्या है कैल्शियम फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड्स तो क्वेश्चन नंबर जो थर्टीन है क्वेश्चन नंबर तो थर्टीन का कौन सा ऑप्शन सही है उस सी होगा कैल्शियम देखो चाहे मतलब वो ह्यूमन्स की बोन हो या फिर किसी और मतलब एनिमल्स की बोन हो तो सबके बोन देखो जो सबसे ज़्यादा जो उस मतलब हमारा बोन का कंटेंट होता है क्या होता है कैल्शियम होता है तो सब में कैल्शियम पाया जाता है ऐसा नहीं कि मतलब किसी में कुछ कैल्शियम मान लो कुछ और पाया जाए ऐसा नहीं होता है जो मेजर उसका कॉन्स्टुट होता है क्या कैल्शियम होता है तो सबसे ज़्यादा जो मतलब फिशेस के बोन किसका सोर्स है कैल्शियम का उसके बाद क्या है वेन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द क्लाइंट विथ यूरिक एसिड कैलकुलाई द नर्स शुड इंक्लूड द एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड विस टाइप ऑफ डाइट हिंदी में देखते हैं क्या मतलब इसका यूरिक एसिड कैलकुली वाले कैलकुली का मतलब आप लोगों ने पता भी समझ रहे हो जो बच्चे हिंदी मीडियम से समझ नहीं आ रही है तो वाले क्या है क्लाइंट के लिए डिस्चार्ज प्रशिक्षण प्रदान करते समय नर्स को किस प्रकार के आहार से बचने के लिए एक दिशा निर्देश शामिल करना चाहिए ऑप्शन क्या क्या हैं लो कैल्शियम लो ऑक्सीट हाई ऑक्सीट एंड हाई प्योदीन तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्टीन है फोर्टीन का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे जो मतलब कैसा आपको डाइट होना चाहिए ऑक्सीट्स एन क्या होता लो ऑक्सीट्स एन होने चाहिए क्योंकि देखो आ, मतलब जो ऑक्सीट्स और कैल्शियम यही सब तो मतलब जाके जमा होकर जो क्या बोलते हैं जो आपका एक कैलकुलाई होता है जिसको पथरी बोलते हो उसी का फॉर्मेशन करते हैं तो इसलिए क्या होगा जो पेशेंट को उसको अवॉइड करना चाहिए क्या हाई ऑक्सीट्स वाले किससे डाइट से सॉरी हाई ऑक्सीडेट मतलब जिसमें जिसमें का ज़्यादा मतलब वो पाया जाए ऑक्जिलेट तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ए डाइट प्लान गिवन बाय ए नर्स टू तो अ पेशेंट विथ है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम के रोगी को नर्स से द्वारा दी जाने वाली आहार योजना है लो फाइबर डाइट हाई फाइबर लो फैट लो फाइबर हाई फैट एंड फोर्थ क्या है हाई फाइबर हाई

अब चलो सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले कौन कौन से ऑप्शन हैं तो पहला क्या है ऑरेंज बी क्या है बनाना एप्पल एंड गवाबा तो इस काफ़ी लोगों को मतलब सबको कुछ को पता होगा जो सबसे ज़्यादा मतलब पोटेशियम का सोर्स होता है किस में होता है कि बनाना में पाया जाता है केला में तो केला जो होता है काफ़ी सोर्स होता है पोटेशियम का उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमीन्स इज यूज टू इन्हेंस एब्जॉर्बशन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम जी ट्रैक्ट कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्बशन में हेल्प करता है कहाँ पे आपके स्टमक में पेट में सो आप वही जी आई सिस्टम जो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो एंटोस्टे इंत्रस्ट्र, गैस्ट्रो एंटस्टैनर्ड ट्रैक्ट इसको बोलते हैं तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है पहला ऑप्शन क्या था पहला था वाइटमिन ए था बी क्या है यहाँ पे वाइटमिन बी वाइटमिन डी एंड वाइटमिन ई तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी होगा वाइटमिन डी जो हम लोग मतलब मतलब जो वाइटमिन यूज करते हैं वो क्या करता है एब्जॉर्प्शन आप कैल्शियम के एबजॉप्शन को क्या आप लोग ने जब कोई ऐसे कैल्शियम के कभी टैबलेट खरीदा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें दो चीज़ें होती हैं सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है कैल्शियम के साथ साथ उसमें जो होता है वाइटमिन डी थी भी होता है इंक्लूड तो जो वाइटमिन डी थी होता है उसका काम ही, ही होता है कि जो कैल्शियम हम इंटेक हैं जिसका उसके क्या करें ऐबजॉर्बशन में हेल्प करती है जो है वाइटमिन डी के साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ जो है वाइटमिन डी से का जो है वो विटामिन मिलाया जाता है उसके साथ में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि दिक्रीज बाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट निम्नलिखित में से सभी से भूख कम हो जाती है सिवाय हरी वरी एंड फियर रेगुलरिटी इन ईटिंग इज रेगुलर मील्स एंड डी क्या है लॉन्ग है लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील टाइमिंग मतलब भोजन के समय में अधिक अंतराल तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एटीन है इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसका बी होगा रेगुलरिटी इन ईटिंग अब अगला है फॉलोइंग द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैसमस एक्सेप्ट जो मैसमस होता है उसका आपको यहाँ क्लिनिकल फीचर्स कौन सा कौन कौन से हैं एक को छोड़ करके जो आपको बताना है जो ऑड है उसी को आपको बताना है पहला क्या है एडिमा बी क्या है बॉडी वेट लेस देन ऑफ़ द एक्सपेक्टेड एंड सी क्या है डिप्ल टिश्यू एंड है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे फर्स्ट होगा एडिया अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है कि इन इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट द फॉलोइंग टोटल एनर्जी इनटेक एक भारतीय आहार में जो कार्बोहाइड्रेट कुल ऊर्जा सेवन का निम्नलिखित प्रतिशत है तो कितना होता है यहाँ पे थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी टू एट्टी परसेंट एंड सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो कौन सा ऑप्शन सही है सी होगा सिक्सटी टू एटी परसेंट क्योंकि हम लोग क्या मतलब इंडिया में क्या जो चावल का जो सेवन है मतलब कार्बोहाइड्रेट जो का सेवन थोड़ा ज़्यादा होता है जिससे क्या होता है जो एनर्जी का ज़्यादा मतलब परसेंटेज होता है कार्ब्स का होता है और कितना होता है सिक्सटी टू एट्टी परसेंट के आसपास होता है अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें इन द फॉलोइंग विच इज द कंपाउंड लिपिड क्या है निम्न में से कौन सा यौगिक जो है लिपिड है तो ट्राइग ट्राई क्या है ट्राइ ग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल नन ऑफ दीज तो ट्वेंटी फर्स्ट का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे नाम से पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड बी ऑप्शन जो है सही है इसका अगला क्वेश्चन है कि in the following, all the known, all the इन द फॉलोइंग ऑल द नाउन क्या ऑल द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से सभी अनावश्यक इमिनो एसिड हैं शिवाए ठीक है इनमें से जो सभी हैं क्या है नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड हैं एक आपका आई थिंक इसेंशियल इमिनो एसिड होगा उसी को आपको यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश करना है उसी को आपको बताना है तो पहला क्या है आर्जिनिन बी क्या है ग्लूटामिक एसिड सी क्या है ट्रिप्टोफैन एंड डी क्या है ग्लाइसिन तो देखो जो मतलब आर्जिनिन है ये भी कैसा है नॉन एसेंशियल है ग्लूटामिक एसिड भी क्या है नॉन एसेंशियल है एंड ट्रिप्टोफैन भी क्या है नॉन एसेंशियल है. है? है जो ग्लाइसिन है ग्लाइसिन कैसा है इसेंशियल अमीनो एसिड है तो ट्वेंटी फर्स्ट का सॉरी ट्वेंटी टू का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ट्वेंटी टू का फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्या होगा ग्लाइसिन अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है कि कंजप्शन ऑफ अ विच डेयरी प्रोडक्ट कैन रिजल्ट एन लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका हिंदी में जो मतलब होगा कि किस डेयरी उत्पाद के सेवन से लैक्टोज असहिष्णुता होती है मतलब कि जो इंटॉलरेंस मतलब जो आपको ना पचे है ना आपको मतलब इंडाइशन हो जाए या फिर पेट में दर्द हो स्टार्ट हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं इनटॉलरेंस बोलते हैं तो पहला क्या है छाछ और पनीर मतलब कि बटर मिल्क एंड कॉटेज चीज़ एंड सेकेंड क्या है कॉटेज चीज़ एंड स्किम्ड मिल्क पनीर और स्किम्ड दूध पनीर और दही किसी भी प्रकार का पनीर तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी होगा पनीर और दही से होता है अब देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन अगला है कि वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन जो वर्ल्ड फूड फ्रूट मतलब वर्ल्ड फूड्स डे होता है विश्व खाद्य दिवस का मनाया जाता है तो देखो जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को क्या होता है विश्व जो है खाद्य दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई देखो जो है 4 जुलाई आई थिंक ये जो यूनाइटेड स्टेट है इसका मतलब अपना खुद का मतलब फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं लोग और सोलह अगस्त का जो होता है वर्ल्ड क्या है फूड डे होता है बारह अगस्त को जो होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है एंड जो 18 मई होता है 18 मई को जो आई थिंक आपका बेसिकली जो विश्व एड्स दिवस होता है उसकी जो वैक्सीन लगती है वो मनाया जाता है यस yes, 18 मई को तो क्या होगा 24 ट्वेंटी फोर का जो सही ऑप्शन क्या है बी होगा यहाँ पे क्या है सिक्सटीन अक्टूबर हाइस्ट परसेंटेज ऑफ पॉली अन सेचुरेटेड फैटी एसिड इज प्रेजेंटेड इन जो पॉली अन सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है सबसे ज़्यादा किसमें प्रजेंट होता है तो क्या है मूंगफली सोयाबीन मार्जिन ताड़ का तेल ग्राउंड सोयाबीन मार्जिन एंड पाम आयल तो किस में होता है सबसे ज़्यादा 25 पर जो है इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है इसका तो 25 में जो होगा वो बी ऑप्शन इसका सही है किसमें सोयाबीन में इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल वाइटमिन आपको वाटर सोलबल मतलब जो कि पानी में घुलनशील शील विटामिन का नाम बताना है तो देखो जो मतलब मैं आपको बता दूं कि मतलब दो वाइटमिन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं पहला जो होता है फैट सोलबल होता है दूसरा जो होता है वो वाटर सोलबल होता है फैट सोलबल में जो आपके विटामिन आते, है, e, आते हैं ए डी ई के आते हैं एंड जो वाटर सोलबलिन विटामिन होता है आपको किसके आता है उसमें बी एंड सी आता है तो उस हिसाब से आप लोग देख लो जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने हिसाब से ठीक है उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है इंडिक्स है नर्स हैज़ कंसिडर एज ए इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स एक नर्स को अच्छे पोषण के संकेतक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सूचात्मक मानना चाहिए पहला क्या है जो एल्ब्यूमिन का लेवल हो कितना 2.5 पॉइंट ग्राम पर डेसीलीटर और प्री एल्ब्यूमिन 18 मिलीग्राम पर डेसी एंड ट्रांसफरिन टू फोर्टी फोर मिलीग्राम पर डे सी लीटर लिम्फोसाइट है वन के नाइनटीन हंड्रेड माइक्रोलीटर तो क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी सेवन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे यहाँ पे जो होगा इसका आई थिंक वो तो अब जो है न्यूट्रल जो सॉरी जो न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट है किसकी डिफिशियंसी से होता है ये होता है वाइटमिन बी ट्वेल्व तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे वाइटमिन बी ट्वेल्व होना चाहिए था तो अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है कि फैट सॉलेबल वाइटमिन तो आपको फैट सॉलेबल यहाँ पे बताना है तो इसका जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसको आप लोग खुद से करना है इसका तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में है कि वाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ़ द वाइटमिन ए डिफिशियंसी आपको जो वाइटमिन ए है उसकी डिफिशियंसी का फीचर्स बताना है तो पहला क्या है बिटोट धब्बे मतलब बिटोट स्पॉट बी क्या है कॉपलिक स्पॉट सी है क्या है कैफे और लाइट स्पॉट एंड डी क्या है टारगेट स्पॉट तो थर्टी फर्स्ट जो है थर्टी फर्स्ट का जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्टी फर्स्ट का वो ऑप्शन ए सही होगा क्या होगा बिटॉर्स स्पॉट बोलते हैं इसको टाइम इसको ध्यान रखना क्या होता है बिटॉर्ट्स स्पॉट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में है कि स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आपके स्लाइबा में एक अंजाइम होता है जो किस पे वर्क करता है किस सब्सटेंस पे आपको बताना है पहला क्या है प्रोटीन फैट स्टार्च एंड मिनरल्स तो मुझे आप आपको देखो कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि जो हमारा स्लाइबा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है इसको मैं आपके जो इसके पहले मैं वीडियोज़ कराया था उसमें मैं इसको आपको बता चुका हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के मतलब सेशन में कि जो हमारा स्लाइबा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो थर्टी टू का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर थर्टी टू का जो है सी होगा स्टार्च और इतना भी यहाँ पर जान लो कि मतलब तो स्टार्च पे वर्क करता है वो जो एंजाइम पाया जाता है तो आप लोगों को बताना है कौन सा एंजाइम होता है अब अगला क्वेश्चन है कि पेलेग्रा इज कास्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जो पेलेग्रा होता है पेलेग्रा किसकी डिफिशियंसी से होता है तो अभी आपने इसको ऊपर भी देखा होगा इसका मैं क्वेश्चन कराया था तो थर्टी थ्री का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे थर्टी थ्री का जो है क्या होगा नियासिन जो नाइसिन होता है नाइसिन कौन सा वाइटमीन होता है वाइट मीन ये बी थ्री होता है उसके बाद तो आज आई थिंक हम लोग इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में तो ये वीडियो जो है आई थिंक आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो भी बच्चे चाहे आप हिंदी मीडियम से रहे होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम से तो आपके आज काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हुए होंगे और जो जो चीज़ें मैं आपको बताया किसको आपको कोई मतलब मुझे बताना है वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में तो आप लोग उसको बताना और चाहे खुद पता हो तो अच्छी बात है जो आप लोग उसको ढूंढ के कहीं से बुक से आपको क्या करना है मुझे उसका आंसर देना है तो आज फिलहाल हम लोग जो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन के करेंगे प्रैक्टिस अगले वीडियो में तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना है बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो